गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे मॉरल वैल्यू लेसन नंबर 3। यानी आज आप क्या पढ़ेंगे? मॉरल वैल्यू का लेसन नंबर 3, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि प्रसन्नता का रहस्य, यानी वास्तविक प्रसन्नता का रहस्य। लेट्स स्टार्ट। वंस, एक समय की बात है, देयर लिव्ड ए किंग, यानी एक राजा रहता था, एक समय की बात है, एक राजा रहता था, हु फेल सीरियसली इल, वो क्या हो गया, बहुत ही बीमार पड़ गया। हिज सब्जेक्ट्स, उसकी जो प्रजा थी, वर वेरी वरीड अबाउट हिज एलमेंट, यानी उनकी बीमारी से उनकी जो प्रजा थी बहुत ही चिंतित हुई। मैनी डॉक्टर्स वर कॉल्ड इन, बहुत सारे डॉक्टरों को बुलाया गया। फ्राम एक्रॉस द लैंड, यानी बहुत दूर दूर से, बट लेकिन नो वन कुड फाइंड क्योर फॉर द किंग्स इलनेस, लेकिन राजा की बीमारी को कोई भी ठीक नहीं कर पाया। ए सेज वंस हैपेंड टू पास थ्रू द किंगडम, यानी एक संत जो था वो उस साम्राज्य से होकर गुजर रहा था। ऑन हियरिंग दैट, यह सुनकर कि द किंग वाज नॉट वेल, कि राजा ठीक नहीं है, यानी राजा बीमार है, ही विजिटेड द पैलेस, वह महल गए, एंड मेट द किंग, और राजा से मिले। आफ्टर ए केयरफुल एग्जामिनेशन, यानी बहुत ही अच्छे से देखने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद, ही आस्क द किंग, उन्होंने राजा से कहा, ही आस्क्ड ए फ्यू क्वेश्चंस एंड सेड, यानी राजा से कुछ क्वेश्चन किए और कहा, इफ़ यू वेयर द क्लास ऑफ ए मैन हु इज ट्रूली हैप्पी एंड कंटेंट, यानी यदि आप उस व्यक्ति के कपड़े पहने जो वास्तव रूप में कैसा होगा, प्रसन्न होगा और संतुष्ट होगा, यू विल बी क्योर्ड फॉर योर इलनेस, तो आप अपनी बीमारी से ठीक हो जाएंगे। द किंग एट वंस ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर्स टू सेंड द सोल्जर्स एंड ब्रिंग ए पर्सन हु वाज हैप्पी एंड कंटेंट, जल्दी फिर राजा ने किया कि अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि सिपाहियों को भेजकर क्या करें, उस व्यक्ति को लेकर आए जो प्रसन्न और संतुष्ट हो। द सोल्जर्स रोड इन टू द किंगडम्स टू लुक फॉर समवन हु वाज हैप्पी एंड कंटेंट, फिर राजा के जो सिपाही थे वे अपने साम्राज्य की तरफ चल दिए ये ढूंढने के लिए कि कौन व्यक्ति वास्तविक रूप से प्रसन्न है और संतुष्ट है। एज दे वर राइडिंग थ्रू द स्ट्रीट्स, यानी वह गलियों से जा रहे थे, दे सा ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर अच्छी बिल्डिंग देखी। दे थाट, उन्होंने सोचा, दैट द ऑनर ऑफ द बिल्डिंग मस्ट बी ए हैप्पी मैन, यानी उन्होंने सोचा कि इस बिल्डिंग का जो मालिक है वो प्रसन्न होगा। ऑन इंक्वायरी, जांच पड़ताल करने पर, दे फाउंड आउट दैट इट वाज द हाउस ऑफ ए रिच क्लॉथ मर्चेंट, कि यह जो घर है वह एक अमीर व्यापारी है, जो कपड़े का व्यापारी है उसका घर है। द सोल्जर्स वेंट इन टू द रिच मर्चेंट्स हाउस, यानी जो सिपाही थे वह अमीर व्यापारी के घर पहुँचे। वेन दे टोल्ड द रिच मर्चेंट द काजेज ऑफ देयर विजिट, जब उन सिपाहियों ने उनके घर आने का कारण बताया, ही सेड, उन्होंने उसने कहा, आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल, मैं पूरे तरीके से प्रसन्न नहीं हूँ। आई हैव ए लॉट ऑफ वरीज रिगार्डिंग माई बिजनेस, मेरे पास बहुत सारी क्या परेशानियाँ बिजनेस से, एंड आई एम सफरिंग फ्राम मैनी डिसीज, और मैं बहुत सारी बीमारियों से भी परेशान हूँ। दे नेक्स्ट वेंट टू ए रिच ज्वेलर्स, अगले वे पहुँचे जो सिपाही थे, कहाँ पहुँचे, अमीर ज्वेलर के पास, हू सेड, उसने कहा, आई विश आई कुड हेल्प द किंग, यानी मैं इच्छा करता हूँ कि मैं राजा की कुछ मदद कर सकूँ, बट लेकिन आई टू एम सफरिंग फ्राम ए वेरी क्रोनिक इलनेस, यानी फिर भी मैं बहुत पुरानी बीमारियों से ग्रसित हूँ। द सोल्जर्स वेंट टू मैनी मोर पीपल, अब जो सिपाही थे वो बहुत सारे लोगों के पास पहुँचे, बट लेकिन
दे कुड नॉट फाइंड एनी वन हु वॉज ट्रूली हैप्पी, लेकिन उनको कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो वास्तविक रूप से प्रसन्न हो। ऑन देयर वे बैक यानी घर वापस आते हुए, द सोल्जर्स पास्ड बाय ए फील्ड यानी जो सिपाही थे वे खेत से होकर गुजर रहे थे। दे सा दैट द फार्मर हु वॉज प्लगिंग द फील्ड, उन्होंने देखा कि वह किसान जो क्या कर रहा था, अपने खेत को जोत रहा था। वॉज सिंगिंग विद जॉय यानी प्रसन्नता से गा रहा है। द ओनली थिंग ही वोर वॉज ए लॉयन क्लॉथ, सिर्फ वह क्या पहने हुए, लुंगी यानी कि जो धोती वो सिर्फ पहने हुए है। वन ऑफ द सोल्जर्स अप्रोच टू फार्मर यानी उनमें से कुछ एक सिपाही ने क्या कहा, उस किसान के पास गए एंड सैड और कहा, यू सीम टू बी ए वेरी हैप्पी मैन, आप बहुत ही प्रसन्न व्यक्ति दिखते हैं। एट दिस द फार्मर रिप्लाइड, इस पर उस किसान ने उत्तर दिया, वाट डू आई हैव टू वरी अबाउट, मुझे किस बात की चिंता है, आई वर्क द होल डे इन द फील्ड्स एंड स्लीप वेल एट नाइट यानी मैं प्रत्येक दिन भर क्या करता हूँ, खेतों में कठिन परिश्रम करता हूँ और शाम को थककर सो जाता हूँ। एंड बिकॉज ऑफ दिस हार्ड वर्क, इस कठिन काम के कारण, आई रिमेन फिजिकली फिट, मैं शारीरिक रूप से बिल्कुल कैसा हूँ, फिट हूँ। एंड बिकॉज कुड यू लेंड योर क्लास फॉर द किंग, क्या आप राजा के लिए अपना कपड़ा दे सकते हैं, फॉर दिस ऐसा, यू विल बी हैंडसमली रिवार्डेड, आपको बहुत सारा इनाम दिया जाएगा, साइड वन ऑफ द सोल्जर्स यानी कि उनमें से एक सिपाही ने कहा कि क्या आप अपना कपड़ा राजा को दे सकते हैं, इससे आपको क्या होगा, बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको नेक्स्ट टर्न में मिलेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।